हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेटाजिपिन टेबलेट के बारे में, जानेंगे इस टेबलेट के ब्रांड नेम, ड्रग स्ट्रेंथ, यूज, डोज, साइड इफेक्ट और प्रिकॉशंस के बारे में, और साथ ही जानेंगे इस टेबलेट के बारे में कई अन्य महत्वपूर्ण बातें। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे कि आपको इस टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेटाजिपिन टेबलेट की बात करते हैं तो यह टेट्रासाइक्लिन एंटी डिप्रेशन ग्रुप की मेडिसिन है। इसे अटिपिकल एंटी डिप्रेशन मेडिसिन कहते हैं। यह मस्तिष्क की बीमारी को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। यह हमारे मस्तिष्क में सीरोटोनिन और नॉन एफिनेफ्रिन दोनों ही केमिकल की मात्रा को बढ़ाती है, जिससे कि पेशेंट की बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है। अब बात कर लेते हैं ड्रग स्ट्रेंथ की। इस टेबलेट के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यह आपको 7.5 mg, 15 mg और 30 mg के स्ट्रेंथ में मार्केट में आसानी से मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं ब्रांड नेम की। इस टेबलेट के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाती है, जैसे मिर्टाज, मिराज, मिरनाइट, टेट्रापिन, मिर्टाटेप। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यूज की। इस टेबलेट के यूज की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है, तो इसका यूज मानसिक बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर नाम की बीमारी हो जाती है, तो इस बीमारी में व्यक्ति अपने आप को अकेला तथा उदास महसूस करता है। उसको किसी काम में इंटरेस्ट नहीं रहता है, भूख नहीं लगती है, अच्छी नींद नहीं आती है, कंसंट्रेशन की कमी रहती है, कमजोरी महसूस करता है, छोटी छोटी बातों को भूल जाता है, बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। इस प्रकार के कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, और यदि यह समस्या बढ़ जाती है तो व्यक्ति सुसाइड भी कर सकता है। तो इस प्रकार की समस्या को ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। इसके अलावा इस टेबलेट का यूज अन्य बीमारी में भी किया जाता है, जैसे यदि किसी व्यक्ति को अच्छे से नींद नहीं आती है तो उस समय भी इस टेबलेट को दिया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को पोस्ट ट्रोमेस्टिक स्ट्रेस जैसी समस्या हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को बड़ी घटना से डर लगता है, तो उसकी वजह से स्ट्रेस होने लगता है, तो उसको ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को सीओपीडी नाम की बीमारी हो जाती है, तो इस बीमारी में व्यक्ति को बार बार भूलने की बीमारी हो जाती है। एक ही काम को बार बार करता है और जो काम करता है उस पर भरोसा भी नहीं होता है, तो इस प्रकार की समस्या को ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को माइग्रेन, टेंशन, हेडेक जैसी समस्या हो जाती है, तो उस समय इस टेबलेट को प्रोफाइल एक्टिंग मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है। और कई बार इस टेबलेट को जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर तथा सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को स्मोकिंग की लत हो जाती है, तो उस लत को छुड़वाने के लिए भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है। इस प्रकार इन सभी बीमारियों को ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। इस टेबलेट के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इस टेबलेट के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे स्लिपनेस, डिजीनेस, ड्रोजीनेस, वेट गेन, हाई कोलेस्ट्रॉल, कॉन्स्टिपेशन, लो बीपी, ड्राई माउथ। इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं, तो इस टेबलेट को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं डोज की। इस टेबलेट के डोज की बात करते हैं तो इस टेबलेट को व्यक्ति की बीमारी तथा एज और वेट के हिसाब से इस टेबलेट का डोज दिया जाता है। इस टेबलेट के कॉमन डोज की बात करते हैं तो एडल्ट व्यक्ति को दिन में एक बार 15 mg की टेबलेट रात को सोते समय लेने की सलाह दी जाती है। इस टेबलेट को रात को सोते समय लेने पर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। इस टेबलेट को खाना खाने के पहले तथा खाना खाने के बाद दोनों समय में यूज कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को 15 mg की टेबलेट से आराम नहीं मिलता है, तो उसको यह डोज बढ़ाया जा सकता है। इस टेबलेट के टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो इस टेबलेट को 15 दिन से लगाकर 20 दिन तक दिया जाता है, और यदि किसी व्यक्ति को ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उस व्यक्ति को लंबे समय तक भी दिया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस की। इस टेबलेट के प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो यदि किसी व्यक्ति को इस टेबलेट से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप इस टेबलेट का दोबारा यूज ना करें।
यदि कोई व्यक्ति इस टेबलेट का यूज करता है तो उस समय आप अल्कोहल का सेवन न करें। यदि कोई लेडीज प्रेग्नेंट है तो उस समय इस टेबलेट को अवॉइड किया जाता है, क्योंकि यह टेबलेट कैटेगरी सी की दवा है। इस टेबलेट को लेने के बाद ड्राइविंग या किसी हेवी मशीनरी पर काम न करें। यदि आप किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज करते हैं तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज न करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेटाजिपिन टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।